सुखी राधे अमित फार्मिंग गुरु गुड आफ्टरनून डियर फार्मिंग गुरु इट्स गुड आफ्टरनून ओके चलिए तो आज की क्लास में बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं और किसके एम सी क्यू हम सॉल्व करने वाले हैं आज का हमारा टॉपिक है क्या आपका मेनली टॉपिकल प्रिपरेशन जिसमें हम किसकी बात करेंगे ऑइंटमेंट की बात करेंगे ओके okay? चलिए तो जल्दी से लिंक को अपने जो भी आपके जूनियर्स हैं बैचमेट्स हैं उन तक शेयर कर लीजिए एंड uh, आपका तो कल डिप्लोमा का काफ़ी बच्चों का जो डी फॉर्म में है उनका रिजल्ट भी आ गया होगा डिप्लोमा सेकेंड ईयर का काफ़ी एक्सीलेंट रिजल्ट रहा सबका चलिए एक्सीलेंट परफॉर्मेंस रही ओके okay? चलिए तो टॉपिकल प्रिपरेशन क्या टॉपिक है आज आपका टॉपिकल प्रिपरेशन अब टॉपिकल प्रिपरेशन का मतलब क्या है जो कि क्या हो आपके स्किन के ऊपर टॉपिकल का मतलब जो क्या है आपका सुपरफिशियली स्किन के ऊपर हम क्या करें जिसको अप्लाई करें तबसुम गुड आफ्टरनून डियर क्या करें हम स्किन के ऊपर जिसे हम अप्लाई करें उसी को हम बोलते हैं टॉपिकल अब जैसे और कौन कौन से आ जाएंगे लाइक आपका क्रीम हो गया ठीक है आपके जेलीज हो गई और भी कई सारी प्रिपरेशंस हैं अवर्निसिंग क्रीम देन क्रीम में ही अलग अलग कई टाइप्स की ऑइंटमेंट हो गया ओके okay? तो ये सारे क्या है आप सुपरफिशियली टॉपिकली स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये किस में आता है आपका बच्चों ये आता है आपका टॉपिकल प्रिपरेशन में जिसको हम क्या बोलते हैं ऑइंटमेंट तो चलिए एग्जाम्पल एक हमारा क्या है ऑइंटमेंट है तो सबसे पहले हम मेनली यहाँ पे देखते हैं किसके बारे में ऑइंटमेंट के बारे में कि आपके मेनली ये ऑइंटमेंट क्या होते हैं कैसे हम इसको बनाते हैं क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं ओके नेचर गुड आफ्टरनून डियर नेचर ओके चलो तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखते हैं जो ऑइंटमेंट होता है ये क्या होता है आपका ग्रीसी भी हो सकता है ठीक है ऑयली सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होता है जो कि यूजुअली क्या होता है मेडिकेटेड होता है मेडिकेटेड का मतलब होता है कि इसमें आपका ड्रग प्रेजेंट रहती है क्या होती है इसमें आपकी ड्रग प्रेजेंट रहती है और वो क्या हम कर सकते हैं एक्सटर्नली अप्लाई कर सकते हैं स्किन के ऊपर हम उसको एक्सटर्नली अप्लाई कर सकते हैं किस लिए इन ऑर्डर टू हील यानी कि हीलिंग के पर्पज से जो भी आपका किसी भी तरीके का वहाँ पे कट है गुंड है घाव हो गया है तो उसको मेनली क्योर करने के लिए हील करने के लिए या फिर सूदिंग सूदिंग मतलब एक तरीके से वहाँ पे स्मूदनिंग के लिए और स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए और स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं अपने ऑइंटमेंट्स को यूज कर सकते हैं ठीक देन ये आपके विस्कस होते हैं सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होती है ठीक है जिन्हें हम क्या करते हैं बॉडी सरफेस पे क्या करते हैं वैरायटी ऑफ बॉडी सरफेस पे अप्लाई करते हैं जैसे फेस की क्रीम अलग है आपका बॉडी की क्रीम अलग है ठीक है फेसियल क्रीम आपकी मॉइस्चराइजिंग क्रीम हो गई ओके चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्या ड्रग इंग्रेडिएंट आपके या तो इसमें डिजॉल्व रहते हैं यानी कि हमने उसमें क्या कर दिया उनमें घोल दिया मिक्स कर दिया ठीक है या फिर इमल्सिफाइड रहेंगे इमल्सिफाइड का मतलब है क्या या तो ऑयल इन वाटर के फॉर्म में या फिर वाटर इन ऑयल के फॉर्म में रहेंगे या फिर सस्पेंडेड रहेंगे इन ऑइंटमेंट बेस क्या सस्पेंडेड रहेंगे किस में रिश्यू बेटा आपका आप ईयरफोन यूज कर लो ओके या फिर नेटवर्क इशू होगा क्योंकि मैं तो इधर से फुल वॉल्यूम है ओके चलो नेक्स्ट क्या है आपका सस्पेंडेड रहेंगे सस्पेंडेड मतलब कि आपका कोई ऑइंटमेंट बेस है उसमें क्या रहे फेज में रहे Disposed मतलब जैसे आपका क्या है सस्पेंशन है उसमें हमने सॉलिड पार्टिकल कोई लिक्विड है उसमें हमने सॉलिड पार्टिकल्स क्या कर दिया मिक्स करा दिया ओके चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्या ऑइंटमेंट क्या ऑइंटमेंट यूजली आपके क्या होते हैं टॉपिकली होते हैं कई सारे पर्पज से यूज किए जाते हैं इमोलियंट के लिए एंटी एंटीप्रियोटिक्स के लिए करेटोलिटिक्स के लिए ओके करेटोलिटिक यानी कि ये क्या कराते हैं मेनली जो आपका स्किन की परमिशन है उसको बढ़ा देते हैं देन एंटीसेप्टिक या फिर एस्ट्रिनजेंट इन परपज से आपका यूज किया जाता है एस्ट्रिनजेंट का मतलब होता है ये क्या कराते हैं प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कराते हैं प्रोटीन प्रेसिपिटेट कराते हैं कौन एस्ट्रिजेंट देन इन केस ऑफ ए प्रोटेक्टिव ऑइंटमेंट अगर हम बात करें किसकी प्रोटेक्टिव ऑइंटमेंट की तो ये मेनली स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं ओके okay? और मॉइस्चर को क्या करते हैं स्किन से मॉइस्चर को स्किन से लॉस होने में क्या करते हैं लॉस होने से रोकते हैं लॉस होने से बचाते हैं जैसे अभी कुछ दिन के बाद आप विंटर्स में यूज करोगे कोल्ड क्रीम वगैरह क्लियर चलिए तो पहले प्रॉपर्टीज आइडियल प्रॉपर्टीज किसकी ऑइंटमेंट बेस की तो चलिए इसमें हम बात करते हैं ओके okay? तो सबसे पहला है क्या डज नॉट रिटार्ड ठीक है इट शुड डज नॉट रिटार्ड वीलिंग ओके ये क्या है आपका ऐसा ना हो कि हम अप्लाई तो कर रहे हैं बट वीलिंग आपकी हो ही नहीं रही है ओके okay? चलिए तो आपको क्या हो विंड हीलिंग इसकी प्रॉपर होनी चाहिए ठीक है देन क्या है लो सेंसिटाइजेशन इंडेक्स यानी कि सेंसिटिविटी हाइपर सेंसिटिविटी नहीं होनी चाहिए स्किन पे किसी भी तरीके का उसका कोई एडवांस इफेक्ट ना हो फार्मास्यूटिकल एलिगेंस यानी कि उसका टेक्स्चर है जो भी साइज है शेप है अपियरेंस है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए देन नेक्स्ट क्या है लो इंडेक्स ऑफ इरिटेशन किसी भी तरीके का आपका एलर्जिक रिएक्शन या फिर लोकल इरिटेशन होने के चांसेस ना रहे इट शुड बी नॉन डिहाइड्रेटिंग ऐसा ना हो कि आपके मॉइस्चर को इवेपरेट करा रहा है मॉइस्चर का लॉस करा रहा है देन इट शुड बी नॉन ग्रीसी किसी भी तरीके का चिपचिपापन ऑयलीनेस ये ना हो आइडियल ऑइंटमेंट की बात की जा रही है ओके टिंकू गुड आफ्टरनून चलो अब क्या है नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है आपका न्यूट्रल ठीक है किसी भी तरीके का रिएक्शन ना दे ठीक है उसमें क्या है क्वालिटीज़ जो भी गुड कीपिंग क्वालिटीज होनी चाहिए देन अदर जो मेडिकामेंट है उनके साथ क्या रहे आपका कंपेटिबल रहे क्या रहे कंपेटिबल रहे नेक्स्ट क्या है इफिसियंट रिलीज जो भी रिलीज है किसका मेडिकामेंट का ठीक है ऑफ मेडिकामेंट एट साइट ऑफ एप्लीकेशन जहाँ पे भी हम उसको अप्लाई करें वहाँ से मेडिकामेंट तो आपका प्रॉपरली रिलीज होना चाहिए देन वॉसिबल होना चाहिए यानी कि वाटर की हेल्प से ईजली रिमूव हो जाए इट मीन्स कि ये क्या है आपका वॉसिबल है देन मिनिमम नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट, आपके जो इंग्रेडिएंट हैं या जो भी कंपोनेंट है उसमें कम से कम रहने चाहिए ताकि कम से कम रहेंगे तो चांसेस काफ़ी कम है कि, कि किसी भी तरीके का वहाँ पे आपका क्या हो क्रॉस या फिर आपका ड्रग के साथ कोई इंट्रैक्शन हो देन ईज ऑफ कंपाउंडिंग ईजली हम इसको क्या कर सकें कंपाउंड कर सकें उसमें फिलिंग वगैरह की जो भी प्रोसेस है ये सारी चीजें जैन पाशा क्या चीज़ नहीं समझ में आई बेटा बताओ मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा ओके okay? चलिए हम स्लोली ही चलेंगे अब क्या है टाइप ऑफ ऑइंटमेंट बेस कौन कौन से आपके ऑइंटमेंट बेस के टाइप है ये भी आपका इंपॉर्टेंट है जिसमें सबसे पहला आ जाता है क्या आपका ओलिजीनस ऑइंटमेंट बेस ओलिजीनस ऑइंटमेंट बेस जो होते हैं ये आपके पेट्रोलियम से डेराइव होते हैं क्या होते हैं पेट्रोलियम से डेराइव होते हैं इसीलिए हम इसको ये भी बोलते हैं कि ये आपका हाइड्रोकार्बन किससे डेराइव है हाइड्रोकार्बन से डिराइव्ड है कौन से आपके ऑलिजिनस बेस तो ये क्या होते हैं इसमें आपके फैट फिक्स ऑयल हाइड्रोकार्बन और सिलीकन्स इसमें आपके कंसीडर किए जाते हैं ठीक है ये आपके क्या होते हैं एनहाइड्रस होते हैं एनहाइड्रस का मतलब होता है कि वाटर वहां पे आपका प्रेजेंट नहीं होता इट मींस दैट इज एनहाइड्रस देन नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है आपका ग्रीसी होते हैं यानी कि ऑयली या इन नेचर होंगे नॉन वॉशेबल यानी कि वाटर के साथ हम इसको वॉश नहीं कर सकते क्योंकि भाई कंटिन्यूस फेज में तो ऑयल है तो वाटर से वॉश ये होने से रहा ओके चलिए देन डज नॉट एब्जॉर्ब वाटर और ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता तो मैंने लिए क्या हो गए आपके इसमें कंटिन्यूस फ्रिज आपका क्या हो गया ऑयल हो गया वाटर इन ऑयल टाइप के आपके मेरे लिए प्रिपरेशन बनाएंगे क्लियर है चलिए देन ये आपके क्या करते हैं स्किन के ऊपर एक फिल्म फॉर्म करते हैं ठीक है सो इट इनक्रीज द स्किन हाइड्रेशन कैसे इन स्किन को हाइड्रेट कराएगा भाई स्किन के ऊपर एक लेयर फॉर्म कर लेगा अब उस लेयर को जो मॉइस्चर है वो क्रॉस कर नहीं पाएगा तो क्या कराएगा स्किन में जो भी आपका क्या है वहां पे मॉइस्चर है उसको इंक्रीज कराएगा ओके चलिए देन इट शुड बी इट शुड नॉट बी अप्लाइड इन टू इन्फेक्टेड एरिया जो भी अगर आपका कोई इन्फेक्टेड एरिया है तो उसमें यूजअली आपकी अदर ऑइंटमेंट्स नहीं यूज किए जाते बट अगर हाँ कोई आपका लाइक like कोई फंगल इन्फेक्शन uh, है वहाँ पे आप एंटी फंगल ऑइंटमेंट यूज कर सकते हो बट ये नहीं कि अब आप वहाँ पे वॉलिनी यूज कर रहे हो ओके okay? तो ये सारी चीज़ें सोलंकी so, ओके okay, बेटा महेंद्र ठीक है चलिए नेक्स्ट क्या है दे आर यूज एज प्रोटेक्टेंट्स क्या कराते हैं स्किन को प्रोटेक्ट कराने में इमोलियंट एक्शन देने में और एज ए व्हीकिल यानी कि जो भी आपका क्या है पर्टिकुलर बेस है वो क्या है ड्रग को ले जाता है ड्रग को डिजायर्ड साइट ऑफ एक्शन तक ले जाने का काम करता है इसीलिए उसको हम व्हीकिल बोलते हैं इमोलियंट हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो कूलिंग सेंसेशन प्रोवाइड कराता है क्लियर है अब एग्जाम्पल देख लेते हैं किसके

हाइड्रोफिलिक बेस होते हैं क्लियर है देन ये क्या कहते हैं कैन सेवरल टाइम्स ठीक है क्या हैं अपने वेट के अकॉर्डिंग ठीक है उससे कई ज्यादा कई टाइम्स ज्यादा क्या कर सकते हैं वाटर को एब्सॉर्ब कर सकते हैं देन नॉन वॉशेबल यानी कि वाटर में ये आपका डिजोल्व होके मिक्स नहीं होंगे वाटर में डिजोल्व होके मिक्स नहीं होंगे देन नॉट वाटर सोल्यूबल वाटर में ये आपके सोल्युबलाइज भी नहीं होंगे वाटर में आपके सोल्युबलाइज भी नहीं होंगे कौन आपके एब्जॉपशन बेस्ड देन ये क्या होते हैं एज ए प्रोटेक्टेंट्स एज ए प्रोटेक्टेंट्स यूज किए जाते हैं एज ए इमोलियंट यूज किए जाते हैं ठीक है प्रोटेक्टेंट्स मतलब किसी भी लाइक like आपका सनलाइट uh, हो गया सनबर्न से बचाने के लिए किसी इंसेक्ट बाइट में ठीक है मॉइस्चर को इवेपरेट होने से इन सारी चीज़ों में स्किन को मॉइस्ट बनाए रखने में इन सभी चीज़ों में आपके ये यूज किए जाते हैं क्लियर है चलिए देन आपके सॉलिड और नॉन हाइड्रोलाइजेबल ड्रग्स के लिए आपका यूज किया जाता है एग्जाम्पल्स इनके इंपॉर्टेंट है लाइक like हाइड्रोफिलिक क्या हो गया हाइड्रोफिलिक पेट्रोलियटम है एनहाइड्रोसलेनोलिन है और पॉलीसॉर्ब है ये क्या हो गए बच्चों ये हो गए इसके एग्जाम्पल कि आपका मेनली कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं जो आपके एब्जॉर्प्शन बेस में कंसिडर किए जाएंगे नेक्स्ट आ जाते हैं वाटर इन ऑयल ऑइंटमेंट बेस किस टाइप का अब हम देखने वाले यहां पे वाटर इन ऑयल ऑइंटमेंट बेस ठीक है चलिए अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं क्या ये क्या होते हैं आपके होते हैं क्या होते हैं एनहाइड्रस होते हैं हाइड्रोफिलिक होते हैं हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग होते हैं ओके क्या है वाटर लविंग देन मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं क्या करते हैं मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं और नॉन वाटर रिमूवेबल रहते हैं क्या रहते हैं नॉन वाटर रिमूवेबल होते हैं क्लियर है ठीक है विथ लो थर्मल कंडक्टिविटी विथ लो थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब है कि इसमें जो आपका किसी भी तरीके का चार्जेस का जो कंडक्शन है वो काफी कम रहेगा और ऑक्लूसिव लेयर बनाते हैं ऑक्लूसिव लेयर का मतलब होता है क्या कि जो भी आपकी क्या है परमिबिलिटी होती है उसको कम करते हैं ओके देन क्या है सेम प्रॉपर्टी होती है इनकी एज एब्जॉर्प्शन बेस जो भी प्रॉपर्टी हमने किसकी देखी थी एब्जॉर्प्शन बेस की देखी थी उससे सेम ही रहती है इसको हम एज ए इमोलियंट भी यूज करते हैं क्लीनिंग क्रीम यानी कि मेनली क्लीनिंग पर्पज से और व्हीकल्स फॉर सॉलिड सॉलिड लिक्विड और नॉन हाइड्रोलाइजेबल ड्रग्स के लिए ये आपके एज ए व्हीकल भी यूज किए जाते हैं ओके देन एग्जाम्पल में आ जाता है आपका कोल्ड क्रीम क्या हो गया आपका कोल्ड क्रीम हो गया हाइड्रस हाइड्रोसलेनोलिन हो गया रोज वाटर ऑन्टमेंट हो गया एंड क्रीम और यूसरीन ये क्या हो गई इसके एग्जाम्पल्स हो गए किसके एग्जाम्पल्स हो गए ये आपके वाटर इन ऑयल ऑइंटमेंट बेस के किसके वाटर इन ऑयल ऑइंटमेंट बेस के नेक्स्ट आ जाते हैं क्या ऑयल इन वाटर ऑइंटमेंट बेस अभी तक हमने क्या देखा था वाटर इन ऑयल देखा था अब हम देखेंगे क्या ऑयल इन वाटर ऑइंटमेंट बेस इसमें क्या होते हैं ये क्या होते हैं आपके एनहाइड्रस ये भी होते हैं क्या होते हैं एनहाइड्रस होते हैं वाटर सोल्यूबल होते हैं वहाँ हमने देखा था कि हाइड्रोफिलिक होते हैं यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या वाटर सोल्यूबल होते हैं वाटर को एब्जॉर्ब भी करेंगे और वाटर को वाटर के थ्रू मिल लिए वॉसेबल भी होते हैं यानी कि ग्रीसी अपियरेंस ये आपका नहीं देंगे क्लियर ओके चलिए ये क्या होते हैं कार्बोएक्स पॉलीथिलीन ग्लाइकोल पी या फिर हाइड्रेटेड क्या है आपका हाइड्रेटेड गम्स हो गए लाइक बेंटोनाइट हो गया आपका जिलेटिन सेलुलोज डेरिवेटिव ये सारे क्या होंगे आपके इसके एग्जाम्पल में कंसिडर किए जाएंगे ओके okay? चलिए अब ये आपका एज ए ड्रग व्हीकल्स भी क्या होते हैं यूज किए जाते हैं कैसे एज ए ड्रग व्हीकल्स भी ये क्या होते हैं आपके यूज किए जाते हैं एग्जाम्पल्स की बात करें तो आपका पॉलीबेस हो गया पीजी ऑइंटमेंट्स हो गए ये सारे आपके इसमें कंसिडर किए जाते हैं किसकी बात हो रही है एग्जाम्पल्स की बात हो रही है चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्या है आपका सिलेक्शन ऑफ ऑइंटमेंट बेस अब बात करेंगे हम किसकी ऑइंटमेंट बेस के सिलेक्शन की अब हम यहां पे बात करेंगे ओके okay? तो क्या है डिजायर्ड रिलीज रेट ठीक है अगर हम रिलीज रेट जो है हमारा वो क्या रहेगा डिजायर्ड रहेगा ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का पॉलीमर वहां पे यूज कर रहे हैं ओके okay? तो ये भी क्या करता है रिलीजिंग पैटर्न को आपके अल्टर करता है देन डिजायरेबिलिटी फॉर इन्हांसमेंट ऑफ प्री क्यूटेनियस एब्जॉप्शन ठीक है अगर हमें वहाँ पे क्या करना है रेट ऑफ एब्जॉपन अल्टर करना है किस पर्टिकुलर लेयर में हमें रेट ऑफ़ क्या है जो एब्जॉप्शन है ड्रग का वो इंक्रीज कराना है तो वो भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं ठीक है एडवाइजबिलिटी ठीक है एडवाइजबिलिटी ऑफ ऑक्लूजन यानी कि एक ऑक्लूजिव लेयर भी वहाँ पे हमें क्या करता है ये प्रोवाइड कराता है ओके देन शॉर्ट टर्म टर्म एंड लॉन्ग स्टेबिलिटी दोनों टाइप के आपके क्या होंगे ऑइंटमेंट देखने को मिलेंगे अगर हमें क्या करना है शॉर्ट टर्म के लिए बनाना है तो वो भी लॉन्ग टर्म के लिए अगर प्रिपेयर करना है तो वो भी तबस्म आपकी कुमारी चलिए ठीक है नेक्स्ट आ जाते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग ऑन कंसिस्टेंसी और अदर फीचर ऑफ ऑइंटमेंट बेस यानी कि हम इसकी कंसिस्टेंसी को भी क्या कर सकते हैं अल्टर कर सकते हैं देन पेशेंट फैक्टर यानी कि ऊजिंग स्किन का मतलब होता है क्या है? आप देखोगे कि कुछ स्किन होती है कुछ लोगों की जो कि क्या होती है काफ़ी चिपचिपी होती है जिसमें स्वेटिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है तो उस टाइप की स्किन के लिए और ड्राई स्किन के लिए दोनों टाइप की स्किन के लिए अलग अलग आपके क्या होते हैं ऑइंटमेंट बेस यूज किए जाते हैं ओके okay? चलिए तो ये क्या हो गया आपका मेनली कुछ आपके एग्जाम्पल्स हो गए ओके okay? पवन गुड आफ्टरनून डियर ओके चलो तो अब यहाँ पे हम कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइंस देख लेते हैं लाइक like पहले में आपका दिया हुआ ऑइंटमेंट आपके क्या होते हैं विस्कस सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होती है जिसको हम अलग अलग बॉडी सरफेस या फिर आपके वैरायटी ऑफ बॉडी सरफेस या फिर आपके क्या है टॉपिकली हम उसको यूज करते हैं क्लियर है चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं ड्रग इंग्रेडिएंट या तो डिजॉल्व होगा

ठीक है वहां पे आपके क्या होते हैं मेनली ये स्प्रेड किए जाते हैं विथ जेंटल प्रेशर विथ फिंगर टिप्स फिंगर टिप्स के साथ मेनली जेंटली हम उसको अप्लाई करते हैं मतलब नॉर्मली हल्के हाथों से देन इंडोडर्मिक ऑइंटमेंट्स ठीक है वो आपका डीपर लेयर्स में क्या करते हैं अपना एक्शन शो करते हैं जैसे क्यूटेनियस टिश्यूज में किसमें क्यूटेनियस टिश्यूज में नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट क्या है आपका ऑप्थेलमिक ऑइंटमेंट आपकी ऑपथेलमिकल प्रिपरेशन होती है ठीक है जो कि आपके जो भी आपके क्या लोअर आई लिड में कई किए जाते हैं तो वो क्या होते हैं जो ऑइंटमेंट्स होती है उनको लिक्विड डोजेस फॉर्म जो बल्कि लिक्विड डोजेस फॉर्म है उनके कंपेरिजन में इनको हैंडल करना आसान होता है क्यों क्योंकि भाई आप कहे ऐसा नहीं है कि किसी तरीके का आपका क्या है ग्लास के कंटेनर्स हैं उसमें फील्ड है तो ब्रेकेज के चांसेस हो जाएंगे या फिर बहुत भारी नहीं होते लाइक आपके जो भी लिक्विड डोजेस फॉर्म आ जाते हैं ठीक है लार्ज वॉल्यूम पर एंट्रल्स आ जाते हैं ओके चलिए ये केमिकली मोर स्टेबल होते हैं एज़ कंपेयर टू तो लिक्विड डोजेस फॉर्म कौन ऑइंटमेंट की बात हो रही है ठीक है चलिए आपका ये टॉपिकली कई सारे पर्पज से यूज किया जाता है जैसे एज ए प्रोटेक्टेंट यूज किया जाता है एज ए एंटीसेप्टिक इमोलिएंट एंटीप्रुरिटिक्स ओके कीराइटोलिटिक और एस्ट्रिंजेंट ये सारे क्या हो गए जैसा कि अभी हमने बात किया था तो इन सभी के लिए भी आपका ये मेनली यूज किया जाता है ओके चलिए बैक्टीरियल ग्रोथ को भी क्या करते हैं ये जो ऑइंटमेंट होते हैं प्रिवेंट करते हैं क्लियर है चलिए तो फर्स्ट यहां पे आपका क्या है क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा व्हिच वन ऑफ दी फॉलोइंग आर ऑन्टमेंट बेस इसमें कौन से आपके क्या है ऑन्टमेंट बेस के एग्जाम्पल्स हैं ओके चलिए सबसे पहला है आपका क्या ओलिजीनस बेस दूसरा है है बेस बेस थर्ड इमल्शन एंड लास्ट वन इज ऑल ऑफ दी अबव आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है कौन से इसमें से ऑनमेंट बेस के एग्जाम्पल है आई होप कि आप सभी करेक्ट ही करोगे काफी इजी है दैट इज डी जो कि करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दी अबव नेक्स्ट आ जाते हैं एन नेम ऑफ वूल फैट इज फैट का दूसरा नाम क्या है ऑप्शन है लेनोलिन एन हाइड्रस वूल फैट या फिर वूल एल्कोहल ठीक है लेनोलिन एनहाइड्रस हाइड्रस लैनोलिन एन हाइड्रस वूल फैट या फिर वूल एल्कोहल कौन सा करेक्ट है यहां पे अमित पासा बेटा यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज एनहाइड्रस लैनोलिन क्या है एनहाइड्रस लैनोलिन इज दी करेक्ट आंसर क्लियर चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट क्या है वाटर सोल्यूबल बेसिस आर ऑल्सो नोन एज जो भी आपके क्या है वाटर सोल्यूबल बेस है उन्हें हम किस नाम से जानते हैं लेनोलिन वुलफेट ग्रीसलेस ऑइंटमेंट बेस या फिर ग्रीसी ऑइंटमेंट बेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट चलिए आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी आपकी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है चलिए रुतुजा जैन पाशा सोनू कुमार गुप्ता ओके डी चलिए कॉन्ग्रेचुलेशन सोनू डियर चलिए डिप्लोमा के बच्चों के आप सभी के काफी अच्छे रिजल्ट आए हैं करेक्ट आंसर यहां पे है, आपका सी दैट इज लेस ऑइंटमेंट बेस क्या है लेस लेस ऑइंटमेंट बेस ठीक ठीक है less, आपका है आपका ग्रीसी होगा जिसको हम बोल रहे हैं हैं नेक्स्ट आ जाते आउटर चार ऑप्शन दिए हुए स्ट्रेटम ल्यूसिडम स्ट्रेटम स्ट्रेटम ग्रम एंड स्ट्रेटम स्पाइनोसम ठीक है क्या पूछा है इसमें आपका आउटर मोस्ट लेयर क्या है आउटर मोस्ट लेयर यहां पे आपका क्या है आंसर फास्ट चलिए बी इज द करेक्ट आंसर स्ट्रेटम कॉजनियम ठीक है अच्छा है, एक और इंपॉर्टेंट चीज एपिडर्मिस में मेनली पांच लेयर होती हैं कितनी होती है पांच लेयर होती हैं अब अकॉर्डिंग टू आपका ऑर्डर वाइज अगर हम देखें तो कौन सी आपकी लेयर होंगी ये याद रखने का तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ जैसे आपको पता होगा सी मतलब कम्प्रेस नेचुरल गैस बट वहीं अगर हम इसको क्या बोल दें सी यानी कि सी सबसे गुड की जगह सी सबसे गुड तो सी से क्या है आपका स्ट्रेटम कॉर्नियम हो गया सेकेंड आता है आपका स्ट्रेटम ल्यूसिडम हो गया थर्ड आता है स्ट्रेटम ग्रेन्यूलोसम क्या है स्ट्रेटम है आपका spinosum, क्या है स्पाइनोसम एंड लास्ट आ जाता है स्ट्रेटम जर्मिनेटम या फिर स्ट्रेटम बेसल भी हम इसी को बोलते हैं ओके okay? ये क्या हो गए आपकी इपीडरमिस की पांचों लेयर हो गई ईपीडर्मिस की पांचों लेयर हो गई क्लियर करेक्ट आंसर इज बी नेक्स्ट चलिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म इसमें से कौन सी हमारी डोजेस फॉर्म है जो सेमी सॉलिड स्टेट में नहीं रहती है पेस्ट क्रीम ऑइंटमेंट एंड सस्पेंशन आपको यह बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा डोजेस फॉर्म है जो सेमी सॉलिड स्टेज में नहीं रहेगा चलिए चार ऑप्शन पेस्ट क्रीम ऑइंटमेंट एंड सस्पेंशन चलिए करेक्ट आंसर क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर बच्चों यहाँ पे आपका सस्पेंशन जो कि क्या है आपका लिक्विड डोजेस फॉर्म में आपका बाईफेजिक कैसा है बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म है कौन आपका सस्पेंशन क्लियर है तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे आपका क्या डी डी इज दी करेक्ट आंसर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है टाइप ऑफ ऑइंटमेंट है पेनिट्रेशन प्रॉपर्टी यानी कि कौन सा आपका ऑइंटमेंट का टाइप है जिसमें पेनिट्रेशन की प्रॉपर्टी क्या है पेनिट्रेशन की प्रॉपर्टी हाई है लाइक डायडर्मिक, एपिडर्मिक इंडोडर्मिक एंड एंटीबायोटिक चलिए डीपर पेनिट्रेशन की बात की जा रही है स्किन में आपके इपिडर्मिक में डीपर शन की बात की जाएगी तो वहां पे आपका क्या आएगा डायाडर्मिक क्या आएगा डायाडर्मिक आएगा करेक्ट आंसर इज एके ऑफ ओलिजीनस बेस क्या ओलिजीनस बेस का आपका एग्जाम्पल कौन सा है जो कि ऑइंटमेंट प्रिपरेशन में यूज किया जाता है कहाँ यूज किया जाता है ऑइंटमेंट प्रिपरेशन में आपका यूज किया जाता है ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके वुल फैट है पेट्रोलेटम है वुल एल्कोहल है या फिर बीज वैक्स है चलिए विच वन इज करेक्ट अमित बहुत अच्छे बी इज दी करेक्ट आंसर दैट इज पेट्रोलेटम क्या है बी आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ आ आ आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका दी ऑइंटमेंट बेस आर क्लासिफाइड इन टू फॉलोइंग कैटेगरी एक्सेप्ट ठीक है बेस ठीक है आर क्लासिफाइड इन टू फॉलोइंग कैटेगरी एक्सेप्ट लाइक आपका फैटी बेस हो गया बेस हो गया इमल्सन बेस एंड वाटर सोल्यूबल बेस क्या वाटर सोल्यूबल बेस चलिए क्या पूछा है ठीक है कि आपका कौन सा इसमें ऐसा क्या है बेस है जिसको हमने क्लासिफाई ही नहीं किया है करेक्ट आंसर क्या है करेक्ट आंसर है आपके फर्टी बेस क्या है आपके फर्टी बेस है जो आपकी मेनली ऑइंटमेंट्स में मेनली नहीं यूज होते अवॉइड किए जाते हैं नेक्स्ट आ जाते हैं इट इज ए प्यूरिफाइड वैक्स प्यूरिफाइड वैक्स ऑप्टेन फ्रॉम हनी ऑफ बीज ठीक है, है? यानी कि कौन सा आपका क्या है वैक्स है जो कि आपका क्या हनी कॉम्ब से किससे हनी कॉम्ब से आपका ऑप्टेन किया जाता है ठीक है लाइक वूल फैट हो गया वूल एल्कोहल हो गया बीज हो गया एंड हाइड्रस वुल फैट हो गया चलिए कौन सा करेक्ट है इसमें से विच वन इज करेक्ट कौन सा आपका यहां पे करेक्ट आंसर है चलिए

हाइड्रोकार्बन बोलेंगे दूसरा है एब्जॉर्बशन बेस थर्ड है पैराफीन एंड लास्ट वन इज बोथ ए एंड सी लास्ट वन क्या है बोथ ए एंड सी तो हम पेट्रोलेटम को हम क्या बोलते हैं या फिर और किस नाम से जानते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा चलिए वेरी गुड अमित बहुत अच्छे डी इज दी करेक्ट आंसर मिस्टर अमित बहुत अच्छे ठीक है जैन पाशा डी ठीक चलिए सोनाली बिल्कुल डी चलो यस yes, बिल्कुल डी आपका क्या है करेक्ट आंसर है यानी कि ए जो कि आपका हाइड्रोकार्बन है और आपका सी जो कि पैराफिन है ये दोनों आपके किसमें किसमें इसी को हम क्या बोलते हैं पेट्रोलेटम के नाम से भी हम इसको क्या करते हैं एड्रेस करते हैं फिर जानते हैं तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या हुआ आपका डी हुआ डी इज दी करेक्ट आंसर क्लियर चलिए तो बच्चों आज की क्लास में हमने मेनली देखा कि अइंटमेंट बेस जो है आपके कितने टाइप्स के हैं क्या क्या उसके मेनली यहां पे क्या है इंपॉर्टेंट आपके यूज हो गए उसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स देख लिए हर एक टाइप के ओके okay? चलिए और जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे उससे रिलेटेड तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जिट एग्ज़ाम एंड अब तो आपको एग्जिट एग्जाम्स के लिए और लग जाना है क्योंकि डिप्लोमा के आपके क्या हो गए रिजल्ट्स भी आ गए और जो भी आपका क्या है पर्टिकुलर एग्जाम्स चाहे ईयरली है चाहे सेमेस्टर वाइज हैं क्लियर है, है? चलिए तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थैंक यू सो मच